चलने लगेगी परी ऐसे से। कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बच्चों के सुबह के 3:30 और मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सुबह इंडिया आई हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी थी, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रही हूँ अभी तक, तो ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला। उसके साथ साथ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं। मैं सुबह 6:30 उसके मैंने वीडियो अपलोडिंग के लिए लगाया तो वीडियो अपलोड हो जाए, और रात से एक लगा के रखा था लेकिन नहीं हो रहा था, फिर उनको बंद करके दे अभी लगा। मुझे बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है बट अभी नहीं, अभी मुझे चाय बनानी पहले, चाय पी के आपको पता है हमारी स्पेशल थी जब तुम चाय हो जाए तो इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। फिलहाल मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ, मुझे मेरे घर का बैक साइड है, विंडो साइड है, बट आपको पूरा घर किचन दिख रहा है क्योंकि बाहर अंधेरा है अभी तक। इसीलिए पहले चाय बनाते हैं फिर ढेर सारी बातें करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हुआ बातें नहीं किए। बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, इंडिया आते क्या हुआ, इंडिया आते टाइम क्या क्या हुआ, वो बहुत कुछ बातें। और परी मैडम जी सो रही है और बहुत टाइम हुआ आप लोगों को, परी को भी नहीं दिखाया। रात में दिख रहे ना आपको विंडो से, आप दिख रहे हो तो परी को भी मैं दिखाती थोड़ी देर के बाद, फिर पहले चाय बनाती। तो गाइस परी भी उठ चुकी है, हमारा चाय हो गया है और अभी परी जा रही नीचे क्योंकि मुझे नहीं दिखा रही, ऐसे बोल रही परी ये देखिए। तो अभी परी नीचे जा रही है क्योंकि मुझे कपड़े धोने, और मैं आपको दिखाऊं बेडरूम पूरा गंदा पड़ा है, पूरे बेडरूम में कपड़े। तो गाइस परी को लेकर गए हैं राज नीचे, मैं आपको बेडरूम का हाल दिखाती हूँ। आपको पता है आपको सोच भी नहीं सकते इतना गंदा बेडरूम पड़ा है। तो ये देखिए इतनी गंदी हालत है ना, पूरा सामान बस फैल के पड़ा है यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, और मैं धीरे धीरे साफ किए जा रही हूँ बट हो नहीं रहा है। और आपको पता है हॉल में मैंने कल ही ये देखिए बेडशीट, दो चद्दर और एक गोधड़ी वो धो के रखी, लेकिन और भी बहुत सारे कपड़े धोने हैं। मतलब वहां से जब मैं आई ना थाईलैंड से आते टाइम, वहां से मैंने कपड़े धोकर आई थी, मतलब कि मुझे कुछ करना ना पड़े, बट यहाँ पे जो भी थे ना वो मुझे धोने पड़े, बर्तन वगैरह धोने पड़े, बर्निया वगैरह जो भी था ना, मतलब किराना रखने का सामान वो धोना पड़ा। और बहुत टाइम से ब्लॉग भी नहीं कर पा रही थी मैं, पता है मुझे याद है अभी 7-8 दिन हो गए शायद मैंने ब्लॉग नहीं किया है, पता नहीं बहुत टाइम हो गया ब्लॉग किया ही नहीं मैंने। और अब मैंने जब आ रही थी ना तो मैंने ऐसे वाले कुछ लाए, मतलब ये तो पटाया वाला है, कुछ अलग अलग नाम के है। तो मैं आपको पूरे घर की टूर मेरे बाद में दूंगी, पहले घर अच्छे से सेट हो जाने दीजिए। तो बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है बट फिलहाल अभी काम करना है तो करते हैं उसके बाद में। गाइस तो अभी हम लोग गए थे डी मार्ट, और सुबह मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट की उसके बाद मैंने बहुत सारे काम किए। मेरे बहुत जो सुबह मैंने दिखा था मेरा पूरा घर फैला पड़ा है, वो मैंने पूरा साफ कर लिया, मतलब सब कोने कोने में अच्छे से कर दिया। तो मैंने कहा क्या यहाँ पे मेरे सारे जो सामान था वो रख दिया, ये वाले जो है ना वो मुझे धोने हैं सब, इसलिए मैंने वो साइड में रखे। वहाँ पे मेरे एक्स्ट्रा के जो मतलब ना लगने वाले कपड़े रखे। और हम लोग आज गए थे डी मार्ट, तो ये है मेरी डी मार्ट की शॉपिंग। तो डी मार्ट शॉपिंग हॉल का वीडियो मैंने जस्ट अभी शूट किया है, वो आपको नेक्स्ट वाला है मतलब जल्दी से मिल जाएगा वो वाला ब्लॉग। और अभी मुझे बनानी है चाय, तो मैं वो बनाने वाली हूँ। और आज अभी जो मैंने पजामा जो पहना है ना वो मैंने उसमें से लिया और बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने वो पहन लिया तुरंत, हो या कुछ नहीं छोड़। तो अभी मैं बनाने वाली चाय और खाने वाली वेफर्स या फरसान के साथ, तो चलिए बनाते हैं। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई, एक्चुअली हुआ है कि मैं बहुत टाइम से वीडियो बना ही नहीं रही थी ना, मतलब अभी ये ब्लॉग नहीं कर रही थी इसलिए। तो कल से परी चलने लगी है, मतलब हाथ पकड़ पकड़ के, उसको पता नहीं ऐसे बीच में वो आती है कि मुझे उठाओ खड़ा कर दो और उसको चलाओ, तो उसको मजा आता है। फिर थोड़ा सा चलती है, मतलब क्या बोलते हैं 10-15 कदम वो चल लेती है हाथ पकड़ पकड़ के, और फिर थक जाती है। तो परी अभी चलने लगी है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अभी मैंने परी को दिए है कुरमुरा खाने के लिए, तो मैंने बेड पे वहाँ वो खेलती है ना वहाँ पे मैंने डाल दिए, और फिर वो खा रही है, मतलब राज वहाँ पे है बैठे उसको ध्यान दे रहे, और परी वो भी खा रही है, राज भी खा रही। तो चलिए मैं अभी बना फटाफट चाय, दिन उसके बाद में। तो यहाँ पे मैंने मेथी भी साफ करके रखी सुबह,
बट वो पीछे रख नहीं पाई थी, कचरा ये सारा कचरा रहती और मुझे सारा किराना बेच से रखना है, जैसे बस होता है। मुझे आप लोगों से बात करने के लिए अभी अच्छे से टाइम मिला, तो मुझे चलो मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो जिस दिन हम लोग आए थे उस टाइम पे मैं बात ही नहीं कर पाई, और अभी 5-6 मुझे 7-8 दिन हो गए हमें आकर, मुझे डेट आवाज क्या डेट याद ही नहीं। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, आज से करना अब देखते। और मैं बता दूँ मेरे यहाँ पे ना नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मैंने आपको कहा था कि मैंने सबके लिए गिफ्ट लिए, तो ये वाला जो लगा है ना ऐसे मैंने सबके लिए सेम टू सेम गिफ्ट लिए। तो ये मैं आपको प्रॉपर ना थोड़ा अच्छे से बाद में दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से देखिए पूरा दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरह से उसके ऊपर थाईलैंड के बहुत कुछ अलग अलग बातें हैं, तो सभी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि परी को और मेरा आने का एक्सपीरियंस कैसा था, परी का फर्स्ट टाइम फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो परी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ सच में, मतलब कैसे रहता है ना बच्चों के कान दर्द होते हैं क्या क्या होता है। तो जब हम निकले थे ना घर से, आपने तो तब तक का देख लिया, मतलब मैंने ब्लॉग बता दिया देखा आपने, बट मैंने इसे प्रॉपर बातें नहीं की। तो फ्लाइट में परी जब फ्लाइट लैंड करने वाली थी ना, उससे पहले परी मतलब हम लोग फ्लाइट में बैठने के बाद परी रोने लगी जोर जोर से, पता नहीं क्यों अचानक से। फिर पीछे वाले लोग हमारे आगे वाले हमारे बाजू में और एक थे, वो सब उसको रुलाने मतलब शांत करने की कोशिश कर रहे थे, उलू कर करके, बट परी कोई शांति नहीं हो रही थी। फिर हमने उसको उसके गाने लगा दिए, मतलब जो कार्टून के गाने रहते, फिर वो शांत हो गई। देन उसके बाद जब फ्लाइट लैंड हुई सॉरी उड़ी, उस टाइम पे परी सो गई, मतलब वो रहता है ना कि आप फीड कराना पड़ता है बेबी को, मतलब फ्लाइट टेक ऑफ करते टाइम। तो जब उड़ रही थी तभी मैंने परी को फीडिंग पे लगा दिया था, तो परी उसमें सो गई। तो परी कंप्लीट 3 घंटे सो गई मेरे हाथ के ऊपर, और एक तो रात के टाइम पे परी कैसे रहते कि मुझे सोना है, बाकी कुछ भी हो जाए बाढ़ में जाओ बट मुझे सोना होता है, ऐसे रहते परी को। तो परी सो गई थी। देन जब हम मुंबई में थे, मतलब ऊपर थे बट मुंबई मतलब ऑलमोस्ट आ गया होगा ऐसे मुझे लग रहा था, क्योंकि हमारी 4.5 या 5.5 घंटे की फ्लाइट थी, और 3 घंटे मोस्ट ऑफ परी सोई थी, क्योंकि मैं खुद चाह रही थी मैं सो जाऊँ, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रही थी। मैं परी गोद में थी, बाजू में राज थे, और उनके बाजू में भी और एक जो जिनकी सीट थी वो थे। कोई कोई क्या करते कि पीछे आगे जाते आगे पीछे हो जाते तो एक सीट मिल जाती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए फिर हम तीनों बैठ कर ही आए, तो फिर कोई मतलब सोने का मौका नहीं मिला मुझे, तो मतलब मैंने आँख झपकी तक नहीं, पूरी जर्नी देखी मेरी बैंकॉक टू मुंबई की। फिर 3 घंटे के बाद परी जब उठी तो उसको हमने फिर से गाने वाने लगा के दिए, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और बहुत सारे लोग सोए थे। फिर जब लाइट्स ऑन हुए, मतलब लैंड से थोड़ा पहले, मुझे लगता है 1/2 घंटा पहले, तो उस टाइम को फिर परी मतलब थोड़ा सा इसमें थी, वो नींद में भी थी बट उसको सोने को कम्फर्टेबल नहीं मिल रहा था। तो सब लोग उससे खेल रहे थे बातें कर रहे थे, तो उसमें वो बिजी हो गई थी, तो इतना कुछ नहीं। देन जब हम नीचे आए तो फिर उसको नींद में आ गई, और हमारा लगेज बहुत ज़्यादा था तो इसमें हमें बहुत टाइम लगा, और हमें ना फ्लाइट में फॉर्म दिए थे जो कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग भी फॉर्म थे कुछ, कि आपको मतलब आप कभी चाइना तो नहीं जाकर आए पिछले कुछ दिनों में, देन आपको फीवर वगैरह तो नहीं था, आप एडमिट तो नहीं थे, इस चक्कर के कुछ कुछ फॉर्म थे। तो हम तीनों के फॉर्म भरने के लिए कितना टाइम लगेगा,
और हमने ना प्लेन में नहीं भरे थे क्योंकि हमें जगह नहीं हो रही थी प्रॉपर लिखने के लिए, तो हम नीचे आके फिर हमने मतलब जो हम लैंड किए एयरपोर्ट पे आए फिर हमने फॉर्म फिलअप किए, देन उसके बाद फिर सारी प्रोसेस हुई, तो उसमें हमें बहुत टाइम लग गया, मतलब एक डेढ़ घंटा ऑलमोस्ट लग गया हमें एयरपोर्ट से बाहर आने के लिए। काय बाड़ा? तो इसलिए हमें बहुत टाइम लग गया बाहर आ जाते। फिर उसके बाद परी आ गई नींद में, और परी की जो गाड़ी है इसने हमें बहुत साथ दिया, जैसे कि परी के झूले ने दिया था वैसे ही, तो परी की गाड़ी में फिर हमने उसको सुला दिया, और हमने जो ओला बुक की थी वो भी आने के लिए बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि हमारा सामान भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए बुक नहीं हो पा रही थी मोस्टली कि जो हमें गाड़ी चाहिए थी वो। और उतने में ना एयरपोर्ट के मतलब वो जो ओला का जो मिलते ना ओला गाड़ी जहाँ पे मिलती ना वहाँ पे उबर ओला, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मच्छर थे, तो परी को इतने मतलब आधे परी को मच्छर काटने लगे। देन हम जब घर पे गए तो वहाँ पे परी को मच्छर काटे, तो ये जो निशान है वो परी के मच्छर के मतलब इंडिया आती परी के फेस पे ये जो निशान हो गए वो मच्छर की निशानी है। उन मच्छरों को बहुत पसंद आ गई थी, मच्छर नहीं वो क्या बोलते उसको, डांस बोलते हैं ना वो वाले, तो वही मच्छर डांस जो भी था वो परी को काटे, तो इस वजह से परी के चेहरे पे ये निशान हो गए। और यहाँ पे आके फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब सबसे मिले, अभी ना रिलेटिव से मिलने नहीं गए हम लोग, पहले मैं घर पे गई थी अपने, फिर देन उसके बाद कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद अभी मैं आ गई अपने घर पे, तो हमने सोचा कि पहले अपने घर पे थोड़ा सेट हो जाए आराम से, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ पसरा वसरा पड़ा था और सामान भी हमारा इतना सारा था वो लगाना था, तो हमने सोचा कि पहले घर पे आके हम अच्छे से रह लेते, शांत हो जाते, रिलैक्स हो जाते, फिर हम रिलेटिव से मिलने जाते। और हमारे कोई रिलेटिव भी आने वाली मुंबई, मेरी नानी वगैरह 7 तारीख के बाद मेरे भाई की एग्जाम खत्म हो रही है, तो फिर वो मुंबई घूमने भी आने वाले, हमने सोचा फिर यही कहीं मिलना होगा। तो जब मैं अभी नासिक जाऊँगी, मतलब मेरे रिलेटिव्स के यहाँ पे जाऊँगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग कर पाऊँ। बट देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था एक वीडियो में कि किसको ब्लॉग में आना है किसको नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है, तो अगर वो आने के लिए राजी हो गए तो मैं ज़रूर लूँगी, बट नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, मतलब घर पर होकर आई तो घर में मतलब सच कहूँ ना तो टाइम नहीं मिला मुझे ब्लॉग करने के लिए। यहाँ पे आने के बाद भी ना मैं काम में इतनी बिजी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था यार कैमरा रखो बाद में पहले काम करूँ, मतलब होता है ना आपको फिर उस टाइम पे ब्लॉग वगैरह याद नहीं आता है आपको, ये होता है कि भाई पहले मैं काम करूँ। घर पे जब गई तो ऐसा हो रहा था कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, ठीक है यार नहीं हो रहा है शूट, ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं जा रहे ब्लॉग कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा हो रहा था। और मैं इतना नेटवर्क भी नहीं था एक्चुअल में, ऐसा लगता ब्लॉग शूट कर करके करूँ क्या, नेटवर्क ही नहीं है, डालूंगी कब। इस चक्कर में मैंने सोचा कि ठीक है यार होगा आराम से जाने दो, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किए कुछ दिनों में बीच में। बट अभी मैं सोचती हूँ कि मैं रेगुलर हो जाओ, और मेरे अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, बट मेरे किचन में नेटवर्क आता है, तो मैं सुबह 6 बजे उठ के वीडियो अपलोडिंग के लिए लगाऊँ मैं सोच रही हूँ, क्योंकि 6 बजे अच्छा नेटवर्क रहता है, तो मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठ के 1 घंटा अपना इसके लिए देकर अच्छे से पूरा प्रोसेस कर लूँ, देन उसके शेड्यूल पर लगा दूँ, जो भी टाइमिंग रहेगा मैं सोचूंगी। अभी तक मैंने कुछ टाइमिंग सोचा नहीं है कितने टाइमिंग पे, क्योंकि मुझे अभी तक मैं ना क्या बोलते सेटल नहीं हो पा रही हूँ, मतलब अभी चल रही गड़बड़ है, तो जब सब ठीक हो जाएगा फिर मैं आपको टाइमिंग भी फिक्स बता दूंगी कब करना है वो सब और ये सब। और मैं आपको बता दूँ, हमने 120 kg सामान लेकर आया, आपने जो सुबह सामान देखा इतना सारा सामान हम लेकर आए, जो बैग्स मैंने आपको दिखाए थे कि मैं इतने सारे बैग लेकर आने वाली हूँ वो सारे मैं लेकर आई। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि आप इतने कैसे लेकर आओगे, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप रिटर्न आके टाइम कैसे आओगे, तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं रिटर्न नहीं आने वाली हूँ, नहीं जाने वाली हूँ थाईलैंड। सब सामान आ गया, बस परी का झूला छूटा, क्योंकि परी का झूला एक्चुअली हमने बहुत यूज कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं है कि परी के झूले का कुछ बाकी था, मतलब हमने जो जितने में लिया था उससे डबल उसकी वसूली हो गई है। देन सेकेंड थिंग कि उसका आवाज़ भी आता था जब वो झूलता था, और वो उसके पाइप लंबे थे इसीलिए नहीं लेकर आ पाए, बट नहीं तो आप भी जाती वो भी। और गाड़ी मैं आपको बताऊँ, गाड़ी फोल्डने हो रही थी, मैंने लास्ट ब्लॉग में कहा था आपको एक दो पहले के ब्लॉग में, तो गाड़ी फोल्डने हो रही थी ना, तो हमने जब हम टैक्सी से आए ना तो हमने गाड़ी ऐसी डाली थी, देन जब प्लेन में आए ना तो प्लेन में वो बोल रही अगर गाड़ी फोल्ड नहीं हुई तो हम नहीं डाल सकते, तो हमने बोला था कि आप डालिए, बोले टूट जाएगी, तो हमने बोला था देखते रिस्क लेते, टूट गई तो टूट गई देखते, बट गाड़ी सही सलामत यहाँ तक पहुँची है, तो जैसा झूले ने हमें साथ दिया था वैसे परी की गाड़ी ने भी हमें बहुत साथ दिया। और यहाँ पे आके परी को मैं अभी गाड़ी में सुला रही हूँ, क्योंकि परी को झूले में सोने के आया था, और यहाँ पे मैंने अभी तक झूला बांधा नहीं है, तो जब से परी को मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ ना तो फिर मैंने उसको गाड़ी में थोड़ा सा हिलाया ना कि वो सो जाती है थोड़ा, अभी वो कल से क्या हो रहा है वो और ज़्यादा परेशान हो रही है, वो गाड़ी में फिर नहीं सो रही, मैं सोच रही झूला बांध दूँ, बट देखते। और मैं आपको पूरे घर की टूर मेरे बाद में दूंगी, अभी बहुत कुछ सामान आना है मेरा ये सब, तो उसी लिए तो मैंने सोचा कि चलो मैं अच्छे से बात करके आप लोगों को बता दूँ सारी उस टाइम की हकीकत क्या क्या हुआ था। और आप लोगों का कहना था कि हम कितना ऐसे सामान कैसे लेके जाएंगे, बट हाँ हमने 10 बैग प्लस परी की गाड़ी और परी इतना हम दोनों ने हैंडल करके लाया,
कैसे लाया क्या लाया अभी पता नहीं, बट लेकर आ गए हम और इतना सारा सामान सच में आ गया। एक्चुअली हम 85 kg अलाउड था, बट जब हम वहाँ पे गए ना काउंटर पे, तो बच्ची थी ये देख के उन्होंने मतलब पास पास करते गए और मतलब सबने हेल्प की। और मैं बोल रहा था एयरपोर्ट पे सब लोग परी से खेल रहे थे। एक्चुअली परी को मैंने वो बस दो चोटी वाली टोपी पहनी थी, एकदम परी डॉल लग रही थी, सब लोगों को मजा आ रहा था। जब हम इमिग्रेशन कर रहे थे ना थाईलैंड के एयरपोर्ट पे, वो सब हो रहा था ना चेक इन वगैरह, तो उस टाइम पे मैं चप्पल निकाल रही थी, चप्पल पहन रही थी मतलब सैंडल, तो उस टाइम पे वो लोग परी को संभाल रहे थे, उनको इतना मजा आ रहा था, परी के साथ खेल रहे थे, हाय हेलो सवादी खा क्या 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 कर रहे थे और परी को मतलब खिला रहे थे, बहुत मजा आ रहा था उनको भी कि कितनी क्यूट है कितनी क्यूट है। और प्लेन में तो हमारे बाजू में जो बैठे थे ना वो बोले भी, जब प्लेन लैंड हुआ तभी हमारे पीछे एक बेटा बच्चा था, मतलब मुझे लगता है 5-6 साल का होगा, वो इतनी जोर जोर से रो रहा था ना प्लेन में। मतलब होता है किसी किसी को दर्द होता है या किसी किसी को पता नहीं, बच्चे रोते हैं ना ऐसा कुछ नहीं, और मुझे लगा था परी भी रोएगी बट परी नहीं रोई। तो जब प्लेन लैंड हुई तो बोलते कितनी शांत बैठी है, मुझे थोड़ा भी परेशान नहीं किया, बोलते उल्टा जिनके पास बच्चे रहते हैं ना उनके पास जो सीट रहती है ना उनको ऐसा टेंशन आता है कि भाई आज रात भर मतलब प्लेन में सोने को मिलेगा कि नहीं, बच्चे परेशान होते, बट बोलते इसका आवाज नहीं था, बोलते बहुत शांत बच्चे, बहुत गुड़िया बहुत क्यूट है बोल रहे थे वो भी, तो मेरे गुड़िया सच में क्यूट है। तो बस और अभी परी का टकला करना है और परी को कान चुभाना ये सब करने है। और यहाँ पे आके मैंने सुने परी के कान थोड़े ऊपर है, मतलब मैंने परी के कान की मालिश नहीं की, ये मुझे सुनाई दिया, मतलब बताया सबने कि मैंने क्या क्या गलतियां की, मैंने बोला था मैंने पूरी तरह से 100% नहीं किया, मैं कहीं कहीं गलत गई हूँ, ये तो सच में मैंने परी के कानों की मालिश नहीं की जो कि मुझे करनी चाहिए थी। परी का ये साइड का सर थोड़ा ऊपर बोल रहे थे, तो अभी भी मालिश करूँ तो थोड़ा नीचे जाएगा, वो भी मैंने नहीं किया, मुझे करना चाहिए था आप बढ़िया। तो अभी परी को मुझे लग रहा है नींद आ रही है, और परी का ना यहाँ पे आके टाइमिंग चेंज हुआ है। एक्चुअली होता था वहाँ पे वो 7-8 बजे सो जाती थी कभी कभी, तो मतलब यहाँ आके 5-5:30 बजे उसको नींद आने लग जाती तुरंत, और वो ये होती कि मुझे सुलाओ भाई, और वो ना अभी गाड़ी में वो कंफर्टेबल नहीं होती, मैं सोचती यहाँ पे झूला बांधू, यहाँ पे ऊपर दो हुक, बट राज का कहना है कि ऊपर नहीं बांधते नीचे हम नया झूला लेकर आते, और मैं बोल रही हूँ कि ऊपर बांध देते उल्टा वो अच्छे से कंफर्टेबल रहेगा। तो अभी हम दोनों के उस चक्कर में हमारा झूला फिक्स नहीं हो रहा है, बट होगा। तो बस वही मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे से बात कर दूँ और फिर कल परसों से मैं अच्छे से ब्लॉग करना स्टार्ट कर दूँ डेली वाले, और फिर जहाँ जहाँ घूमूंगी तो वो तो फिर डेली ब्लॉग में आ जाएगा ना, मैं जिस दिन जहाँ जाऊँगी उस दिन के हिसाब से। और परी को मैंने बोला ना आपको परी अभी चलने लगी है, तो देखते हैं अभी परी, मुझे लगता है 1-2 महीने में चलने लगेगी परी अच्छे से, चलने लगेगी परी अच्छे से। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, पॉम पॉम पीपी 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 पॉम पॉम पीपी पॉम पॉम। और क्या बोल रहे थे, हाँ तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।